अरे भैया एक वो तो डाल देते अमरूद, ज्यादा पका मत दो, थोड़ा कच्चा कच्चा। हाँ ठीक है, अरे डोलू आ गया, अरे डोलू आ गया। लेगो तुम जाके। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम मजे में होंगे। हेलो गाइस, कैसे हो? तो भी गुन्नी गुन्नी। अच्छा क्या खा रहे हो, दिखाओ एक बार। अभी सुबह सुबह खरीदे हैं इसके लिए अमरूद और क्या नाम है सेब खरीदे हैं, तो आकाश था तो वो जाके ले आया नीचे से। तो अब मैं घर का थोड़ा सा काम करती हूँ, आज थोड़ा सा टाइम मिला है वीडियो बनाने का, नहीं तो नहीं करने देती है। क्या काट देती, चल चलो लेके चलती हूँ, ले खा लेना। कैसे अच्छे हैं? मैं भी, मेरे को भी लेने देख, एक मेरे को भी दे दे, ये वाला नहीं अच्छा वाला दे। आप भी खा लीजिए गाइस सुबह सुबह अमरूद। अब खा लेती हूँ, कच्चा कच्चा सा है, अच्छा लगता है। कर ले उसी में बेटा। उसी में होगा, रुजमा भी दिखा दी तेरे को। ये ग्रेवी तैयार कर रही हूँ गाइस मैं, और आज मैं बनाऊंगी ये, दिखा दिखा दिखा। हाँ इसका ये काम कर लिया, उल्टा उल्टा कर दिया साथ। ए से एप्पल होता है। टमाटर प्याज गाइस मैंने निकाल लिया है, ये हो चुके थे, और अब तेल मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया है, इसी कढ़ाई में कर रही हूँ, और इसमें मैं अब प्याज वगैरह डाल देती हूँ। और गाइस अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, और मसाले में है हल्दी, हल्दी जो और जो नॉर्मल मसाले में डालती हूँ, धनिया वगैरह, और थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह मैंने इसमें डाला है। और यहाँ सामने जो ये रखी हुई है गाइस, ये लस्सी है, तो आज लस्सी का बनाऊंगी मैं रायता, तो इसे मैं रायता बनाऊंगी कुछ अलग से। बथुआ रखा हुआ था गाइस, तो मैंने उसी को उबाल के, और अब मैं सिलवट्टे पे ही पीस रही हूँ, आज देसी तरीके से बनाऊंगी, तो सिलवट्टे पे पीस के और फिर मैं इसमें जीरे का तड़का लगाऊंगी, और मिर्ची, बल्कि मिर्ची जो है मैं हल्की ही रखूंगी, क्योंकि शिवन्या वगैरह जो शिवन्या है वो भी पिएगी इसमें, और बच्चे भी थोड़ा कम मतलब कि मिर्ची का खाते हैं, तो इसीलिए खाली मैंने अभी जीरे का ही तड़का लगाऊंगी इसमें, और नमक डालूंगी, और नॉर्मल सा ही मिर्ची डालूंगी हल्की सी। और अब इसमें जो तवा है, तवे पे मैं डालूंगी जीरा,
भूंज के डालूंगी गाइस इसमें मैं। और कढ़ाई पनीर एकदम तैयार हो चुकी है गाइस, ये देखिए कितना बढ़िया कलर सा है। और शिवन्या गई है बाहर घूमने के लिए और मैंने सारा काम कर लिया है, बस सब्जी रह गई थी, तो अभी सब्जी का तड़का वगैरह सारा लगा के और एकदम बन चुकी है सब्जी। अब इसको निकाल लेती हूँ, इस छोटे वाले बाउल में निकालूंगी मैं, छोटी वाली कढ़ाई में। और फिर इस बड़ी जो कढ़ाई है इसको मैं धो के रख दूंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और गाइस यहाँ पर धो रही हूँ मैं टोकरी जिसमें मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ धोने के बाद, तो वो थोड़ी गंदी हो गई थी तो मैंने कहा चलो लगे हाथ धो देती हूँ। और मैं जा रही थी शिवन्या को लेने के लिए लेकिन शिवन्या ने आने से मना कर दिया था, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर और खेल ले, क्योंकि उसके साथ के बच्चे हैं तो वो उनके साथ खेल लेती है हमारे सामने वाले के यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा चलो ये जब तक ये काम हो जाएगा। और बीच बीच में मैं उसको आवाज़ भी लगा रही थी और मैंने कहा मैं अब थोड़ी देर में आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो बच्चे को आंटी देख रही थी तो इसीलिए मैंने कहा चलो ये बर्तन धो लेती हूँ उसके बाद ही मैं इसको लाऊंगी। धोके गाइस मैंने इधर रख दिया ये, और शिवन्या गई है बाहर घूमने के लिए, अब मैं जाऊंगी उसे लेने के लिए। बैठी हुई है पंचायत लड़ा रही है बाहर जब तक मेरा घर का सारा काम हो गया, तो अब मैं चलती हूँ उसे लेने के लिए। शिवो क्या ले आई? बता कब से आवाज दे रही थी? मम्मी मैं टीटी लेने गई थी। टीटी लेने चलो चलो ऊपर चलो। डोलू हट जा, डोलू हटियो। चल गई तेरी फ्रेंड, यहाँ कूड़ा नहीं फेंकते बेटा। चल चल और गाइस यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। और आज धो रही हूँ गाइस मैं हाथों से कपड़े, सारे कपड़े मैंने हाथों से धोए हैं क्योंकि आज मशीन एंड टाइम पे एकदम धोखा दे गई, क्योंकि मशीन चली नहीं और कपड़े मैंने मशीन में डाल ही दिए थे, तो इसलिए हाथ से धोने पड़ रही है। और गाइस अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आप तक यहीं पहुँचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय फ्रेंड्स।